तो ऐसा करके आप जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा न्यूमेरिकल्स लेंगे जिसको हम बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। लेट अस ट्राई टू सॉल्व सम वर्ड प्रॉब्लम्स, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। उस रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में हम हमारा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैं करना चाहता हूं, आपका मॉड्यूल का क्वेश्चन करना चाहता हूं। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई आर गोइंग टू डिस्कस इज दिस। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, देखिए। थ्री पीसेस ऑफ टिम्बर 42 मीटर्स, 49 मीटर्स एंड 63 मीटर्स लॉन्ग हैव टू बी डिवाइड इनटू प्लैंक्स ऑफ सेम लेंथ। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक। मेरे पास क्या है, तीन पीसेस ऑफ टिम्बर है, 42, 49 एंड 63। ओके, सो मैं वो नंबर्स यहां लिखता हूं, 42, 49 एंड 63। यू हैव थ्री पीसेस ऑफ टिम्बर विच आर 42 मीटर्स लॉन्ग, 49 मीटर्स लॉन्ग एंड 63 मीटर्स लॉन्ग। अब आपको क्या करना है, ये टिम्बर पीसेस को काटना है। देखिए मान लीजिए ये एक टिम्बर पीस है, ये दूसरा टिम्बर पीस है, तीसरा टिम्बर पीस है। यू हैव टू कट इट इनटू इक्वल पार्ट्स। एंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ। मान लीजिए एक नंबर ए है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव नंबर ए, फॉर एग्जाम्पल देखिए मान लीजिए 1 ले लीजिए। ये सारा टिम्बर पीसेस को 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर वाला पीसेस जैसा मैं काट सकता हूं, एग्जैक्टली काट सकता हूं ना, क्योंकि 42 वन वन मीटर का पीसेस काट लिया तो ये 42 पीसेस हो जाएगा, ये 49 पीसेस हो जाएगा, 63 पीसेस हो जाएगा। इसका मतलब है दीज थ्री पीसेस ऑफ टिम्बर कैन बी कट इन टू इक्वल पीसेस ऑफ लेंथ 1 मीटर। सिमिलरली 2 मीटर्स वाला काट सकता हूं, अगर मान लीजिए एक एक पीस को 2 मीटर्स करता हूं, ये 42 जो है वो अच्छे से 21 पीसेस हो जाएगा, बट ये 49 जो है वो अच्छा सा 2 मीटर्स वाला पीसेस मैं नहीं काट सकता हूं, क्योंकि 2 मीटर्स वाला पीसेस में काट दिया तो 48 तक आपको 24 पीसेस हो जाएगा, 1 मीटर वाला पीस बच जाएगा। सिमिलरली 63 को भी मैं 2 2 मीटर्स का पीसेस में नहीं काट सकता हूं। क्यों, मैथमेटिकली क्यों नहीं काट सकता हूं? ये तो फिजिकली आपको दिख रहा है कि मैं नहीं काट सकता हूं, क्योंकि रिमाइंडर हो रहे हैं, गेटिंग सम रिमाइंडर। अगर मान लीजिए अच्छा सा काट पा रहा हूं, इसका मतलब है रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। सो इफ आई कैन कट ए पीस एग्जैक्टली इन टू ए पीस ऑफ लेंथ ए, दैट मीन्स दिस ए शुड बी ए फैक्टर ऑफ दिस नंबर, दिस ए शुड बी ए फैक्टर ऑफ दिस नंबर। अगर एक नंबर 42 का फैक्टर है तो उस लेंथ का पीसेस मैं एग्जैक्टली कट कर सकता हूं। अगर वही ए 49 का भी फैक्टर है तो 49 को भी उस लेंथ का पीसेस जैसा मैं कट कर सकता हूं। सिमिलरली 63 का भी फैक्टर है तो 63 को भी उस लेंथ में कट सकता हूं। 1 1 मीटर का मैं क्यों काट पाया, क्योंकि 1 इज अ फैक्टर ऑफ 42, 1 इज अ फैक्टर ऑफ 49, 1 इज अ फैक्टर ऑफ 63 ऑल्सो, राइट। 1 तीनों का फैक्टर है, 2 तीनों का फैक्टर नहीं है, 3 42 को डिवाइड करते हैं, 63 को डिवाइड करते हैं, बट 49 का फैक्टर नहीं है। सो व्हाट आर वी लुकिंग एट, इफ आई हैव टू बी एबल टू कट दीज पीसेस इनटू ए पर्टिकुलर लेंथ, दैट लेंथ शुड बी ए कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल द थ्री नंबर्स। ओके, बट हमको क्या चाहिए, द लॉन्गेस्ट पीस, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ। Every possible length of cutting is a common factor of 42, 49 and 63. अगर कुछ भी common factor है तो उस length में मैं काट सकता हूं, but हमको क्या चाहिए, greatest possible length चाहिए। So greatest possible length का मतलब क्या है, greatest पॉसिबल लेंथ इज सेम एज ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए, राइट।
ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एच सी एफ ऑफ द नंबर्स. इसका मतलब है आपको सिंपली फाइंड करना है व्हाट इज द एच सी एफ ऑफ दीज थ्री नंबर्स. सो एच सी एफ फाइंड कर लीजिए, आपको 7 आएगा. सो दिस 7 इज द लेंथ इंटू विच ऑल द लॉक्स कैन बी कट. 7 अगर लॉक का लेंथ लिया तो इसका 6 पीसेस आएगा, इसका 7 पीसेस आएगा, इसका 9 पीसेस आएगा, नो वेस्टेज. सो 7 इज द आंसर. क्लियर है? नेक्स्ट हम ये क्वेश्चन करेंगे. देखिए, सो नेक्स्ट वील डिस्कस दिस 20th क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अमोंग हुम 1001 पेन्स एंड 910 पेंसिल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच ए वे दैट ईच स्टूडेंट गेट्स सेम नंबर ऑफ पेन्स एंड सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स. फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अमोंग हुम 1001 पेन्स एंड 910 पेंसिल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच ए वे दैट ईच स्टूडेंट गेट्स सेम नंबर ऑफ पेन्स एंड सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स. लेट अस सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो क्वेश्चन क्या है आपके पास? 1001 पेन्स है एंड यू हैव 910 पेंसिल्स एंड क्लास में कितना स्टूडेंट्स है वो आपको फाइंड करना है. द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी फाउंड आउट. मान लीजिए क्लास में n स्टूडेंट्स है, n स्टूडेंट्स इन क्लास एंड मान लीजिए हर एक बच्चे को x पेन्स आया, क्योंकि 1001 पेन्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग दीज स्टूडेंट्स. मान लीजिए एक एक स्टूडेंट को x पेन्स पर स्टूडेंट एंड क्वेश्चन के हिसाब से क्या होना चाहिए? दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूट इन सच ए वे दैट ईच स्टूडेंट गेट्स सेम नंबर ऑफ पेन्स एंड सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स. ऑब्वियसली सेम नंबर का ये मतलब नहीं कि इसको x मिला तो पेंसिल्स भी x मिलना चाहिए, वैसा तो हो ही नहीं सकते. अगर क्योंकि एवरी स्टूडेंट गेट्स x पेंसिल्स, एवरी स्टूडेंट गेट x पेन्स, ऐसा है तो पेन्स एंड पेंसिल्स का नंबर तो सेम होना चाहिए. इसका मतलब वो नहीं है कि n स्टूडेंट्स है, हर एक बच्चा को x पेन्स आया, हर एक बच्चा को y पेंसिल्स पर स्टूडेंट. मान लीजिए लेट देयर बी एन स्टूडेंट्स इन द क्लास, लेट ईच स्टूडेंट गेट्स एक्स पेन्स एंड लेट ईच स्टूडेंट गेट्स गेट वाई पेंसिल्स. इसका मतलब मैथमेटिकली आपका कंडीशन क्या होना चाहिए? दिस 1001 शुड बी इक्वल टू एन इंटू एक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटू नंबर ऑफ पेंसिल्स पर ईच स्टूडेंट. दोनों को मल्टीप्लाई किया तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स तो आना चाहिए. सिमिलरली number of pencils should be equal to number of students in the class into number of pencils per each student. And यहां से आप बहुत interesting चीज देख सकते हैं. This implies n should be a factor of 1001 and n should be a factor of 910 also. क्योंकि n into something 1001 भी होना चाहिए, n into something 910 भी होना चाहिए. इसका मतलब है n is a common factor of 1001 and 910. And हमको question में क्या चाहिए? What is the maximum number of students? N का maximum value क्या हो सकता है? इसका मतलब maximum common factor क्या होगा? That's the question, right? So this implies maximum number of students. Maximum number of students is same as maximum value of common factor. Same as maximum value of common factor. And maximum value of common factor kya hoti? Usi ko hum bolte hai HCF of 1001, 910. Dekhiye, dhyan se samajhne ke liye koshish kariye. क्योंकि क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं, ऐसा भी मैं बोल सकता हूँ HCF, दोनों का HCF निकाल दीजिए.
बट आंसर भी आ जाएगा, बट वो HCF क्यों आंसर है, अंडरस्टैंडिंग दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट नोइंग दैट HCF विल बी द आंसर. वो HCF क्यों आ रहे वो लॉजिकली आपको पता होना चाहिए. सो व्हाट इज द HCF ऑफ 1001 एंड 910, हम यूक्लिड्स लॉन्ग डिविजन मेथड से फाइंड करेंगे. सो 91, 910, 10 जर 910, 0. सो 91 इज द HCF, हेंस 91 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन. सॉल्यूशन समझ में आया होगा. इसके बाद नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम, देखिए आपका मॉड्यूल का स्क्वायर्स वाला करेंगे. 22nd क्वेश्चन देखिए. व्हाट इज द 22nd क्वेश्चन? फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ ए रूम 15 मीटर 17 सेंटीमीटर्स लॉन्ग एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर्स ब्रॉड. लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर्स चाहिए. देखिए यहां ध्यान दे दीजिए, बहुत क्वेश्चन में मैक्सिमम नंबर लीस्ट नंबर वैसा क्वेश्चंस पूछा जाएगा. व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर्स रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ रूम विच इज हैविंग द गिवन डायमेंशंस. डायमेंशंस क्या है रूम का, देखिए व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द रूम. डायमेंशंस ऑफ द रूम आर 15 meters 17 centimeters by 9 meters 2 centimeters. ऐसा meters and centimeters में units है तो solving थोड़ा सा complicated होगा. So हम क्या करते हैं, पूरा एक ही units में convert करेंगे. 15 meters is 1500 centimeters plus 17 centimeters. So total centimeters में convert किया तो 15 17 centimeters by 900 centimeters plus 2. 902 centimeters. That is the dimensions of the room. 15, 17 centimeters, 902 centimeters. अब क्या करना है, इस सीलिंग को स्क्वायर से पेव करना है, स्क्वायर से कवर करना है. अगर मान लीजिए आप स्क्वायर से एग्जैक्टली कवर कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या होना चाहिए, ध्यान से देखिए. If the side of the square is a, दूसरा साइड भी होगा. अगर ए साइड स्क्वायर से मान लीजिए ये पूरा अच्छा सा कवर हुआ, इसका मतलब दिस ए शुड बी अ फैक्टर ऑफ 15, 17, राइट? ये आपको दिख रहा है? अगर एक स्क्वायर का साइड ए है और वो पूरा रूम को अच्छा सा कवर कर रहे हैं, देन ए शुड बी अ फैक्टर ऑफ दिस डायमेंशन, दिस लेंथ. एंड वही ए आपका दूसरा साइड को भी अच्छे से कवर कर रहा है. सो ए शुड बी ए फैक्टर ऑफ द ब्रेथ ऑल्सो. ए शुड बी ए फैक्टर ऑफ लेंथ, ए शुड बी ए फैक्टर ऑफ ब्रेथ. सो एनी डायमेंशन ऑफ स्क्वायर, एनी डायमेंशन ऑफ पॉसिबल स्क्वायर्स, अगर उस लेंथ ऑफ स्क्वायर से आप पूरा अच्छा सा कवर कर पा रहे तो एनी डायमेंशन ऑफ पॉसिबल स्क्वायर शुड बी ए व्हाट, शुड बी ए कॉमन फैक्टर. क्या होना चाहिए, कॉमन फैक्टर ऑफ 15, 17 एंड 902. अब आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए क्या, लोएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए? इसका मतलब ए का सबसे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए या मिनिमम वैल्यू चाहिए? क्वेश्चन में लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर्स बोल रहे हैं, सबसे कम नंबर ऑफ स्क्वायर्स चाहिए. तो अगर डायमेंशन छोटा लिया तो स्क्वायर्स बढ़ जाएगा ना. डायमेंशन छोटा है इसका मतलब नंबर ऑफ स्क्वायर्स बड़ा है. नंबर ऑफ स्क्वायर्स छोटा होना चाहिए इसका मतलब है डायमेंशन सबसे बड़ा आना चाहिए. यू हैव टू हैव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायमेंशन, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द स्क्वायर. सो यू वॉन्ट फॉर लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर्स, अगर हमको सबसे लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर्स चाहिए तो यू वॉन्ट लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर्स. दैट मीन्स दिस इंप्लाइज डायमेंशन ऑफ स्क्वायर इज, डायमेंशन ऑफ स्क्वायर इज मैक्सिमम. समझ में आ रहा क्या नहीं? अगर
नंबर ऑफ स्क्वेयर्स सबसे कम होना है, तो एक एक स्क्वायर जो है वो जितना बड़ा हो सकते उतना बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब डायमेंशन बड़ा होना चाहिए. दिस मीन्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ स्क्वायर इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज टू, राइट? क्योंकि डायमेंशन इज अ कॉमन फैक्टर, आपको हाईएस्ट लार्जेस्ट पॉसिबल डायमेंशन चाहिए. सो लार्जेस्ट पॉसिबल डायमेंशन, लार्जेस्ट पॉसिबल डायमेंशन इज इक्वल टू एच सी एफ ऑफ 1517 एंड 902. सो फाइंड करेंगे डायमेंशन, लार्जेस्ट डायमेंशन यूक्लिड्स लॉन्ग डिविजन मेथड से हम एच सी एफ निकालेंगे. सो 1092 516902, राइट? 1615 12 माइनस 5 7 9 माइनस 1 8 287 615. ओके, लॉन्ग डिविजन मेथड से ज्यादा स्टेप्स आ रहे, बट ओके, लेट अस डू इट, डू दिस. सो 2 जर 14 1 7 1 5 74. सो 141 287 41 इंटू 7 जर 287 जीरो हो गया. सो 41 इज द एच सी एफ विच इज इक्वल टू 41 सेंटीमीटर्स. इसका मतलब है स्क्वायर का डायमेंशन कितना होना चाहिए, 41 सेंटीमीटर्स होना चाहिए. सो 41 सेंटीमीटर्स इज द डायमेंशन ऑफ द स्क्वायर. सो कितना स्क्वायर्स लगेगा, लेंथ वाइज यू गेट 1517 बाय 41, राइट? 1517 बाय 41 स्क्वायर्स आपको लेंथ वाइज रहेगा, 902 बाय 41 स्क्वायर्स आपका ब्रेथ वाइज लगेगा. सो टोटल कितना होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपको टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स आ जाएगा. मान लीजिए इस तरफ 10 है, इस तरफ 4 है, तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितना होगा, 10 इंटू 4 40 स्क्वायर्स. सो दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 41 इंटू मोस्टली 37 जर, एंड दिस इज 41 इंटू मोस्टली 22 जर. सो 37 इंटू 22, 74 इंटू 11 आंसर है. सो मोस्टली 41814 स्क्वायर्स. सो आपको मिनिमम जो है 814 स्क्वायर्स लगेगा. सो दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम 24th क्वेश्चन करेंगे. आई एम डूइंग इवन नंबर क्वेश्चंस. 24th क्वेश्चन इज द ट्रैफिक लाइट्स एट थ्री डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स चेंज एवरी 48 सेकेंड्स, 72 सेकेंड्स एंड 108 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली. इफ दे ऑल चेंज साइमल्टेनियसली एट 8 आवर्स, देन एट व्हाट टाइम विल दे अगेन चेंज साइमल्टेनियसली. देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन है इसमें, देर आर थ्री ट्रैफिक लाइट्स. देखिए आपके पास तीन ट्रैफिक लाइट्स हैं, 1 2 3. ये ट्रैफिक लाइट एवरी 48 सेकंड्स पे चेंज होगा, सेकंड ट्रैफिक लाइट चेंजेस एवरी 72 सेकंड्स, थर्ड ट्रैफिक लाइट चेंजेस एवरी 108 सेकंड्स. अब बोल रहा है कि एग्जैक्टली 8 o'clock में, मॉर्निंग 8 o'clock और इवनिंग 8 o'clock, कभी भी 8 o'clock में एग्जैक्टली ये तीनों साइमल्टेनियसली चेंज हुआ है. इसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछ रहा है इसके बाद नेक्स्ट टाइम साइमल्टेनियसली कब चेंज होगा. ये जो है ये जंपिंग क्वेश्चन है. इसका मतलब है जैसा फर्स्ट ट्रैफिक लाइट है, फर्स्ट ट्रैफिक लाइट क्या कर रहे हैं, हर एक 48 सेकंड्स पे एक बार चेंज कर रहे हैं, राइट? एंड सेकंड लाइट इज चेंजिंग एवरी 72 सेकंड्स, ऐसा करके चेंज हो रहे हैं, राइट? सेकंड थर्ड लाइट जो है 108 सेकंड्स पे चेंज हो रहे हैं. अब क्वेश्चन है इसके बाद कितना टाइम के बाद ये तीनों सिग्नल्स जो है वो साइमल्टेनियसली चेंज होगा. मान लीजिए टी टाइम के बाद, टी सेकंड्स के बाद वो साइमल्टेनियसली चेंज हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आफ्टर टी सेकेंड्स दे आर चेंजिंग साइमल्टेनियसली. इसका मतलब है
ये टी सेकेंड्स में ये 48 का भी सम नंबर ऑफ स्टेप्स होना चाहिए, सम नंबर ऑफ होल स्टेप्स होना चाहिए, एंड 72 का भी सम नंबर ऑफ कंप्लीट स्टेप्स होना चाहिए, एंड 108 का भी सम नंबर ऑफ कंप्लीट स्टेप्स होना चाहिए। इस बार ध्यान दे दीजिए, एलसीएम का क्वेश्चन बन गया। सो दिस टी शुड बी व्हाट, शुड बी ए मल्टीपल ऑफ 48 सेकेंड्स, 72 सेकेंड्स एज वेल एज 108 सेकेंड्स, ये मल्टीपल होना चाहिए। एंड आपका क्वेश्चन है आफ्टर 8 o'clock व्हेन विल दे फर्स्ट चेंज, पहली बार कब चेंज होगा, इसका मतलब है टी का सबसे छोटा वैल्यू चाहिए। बहुत बार साइमल्टेनियसली चेंज हो सकता है बाद में, बट सबसे पहला वाला चाहिए, इसका मतलब हमको एलसीएम चाहिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, शुड बी ए कॉमन मल्टीपल। सो द फर्स्ट टाइम व्हेन द चेंज साइमल्टेनियसली, द फर्स्ट टाइम व्हेन दे चेंज साइमल्टेनियसली इज द एलसीएम ऑफ 48, 72 एंड 108। ये तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, एलसीएम निकालना तो आता है आपको। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड द एलसीएम। सो आपका 2s are 24, 36, 54, अगेन टू टाइम्स 12s are 18s are, एंड 2 20 7 times, 3 4s are 3 6s are 3 9s are 3 2s are 3s are 2 2s are 1s are 3s are। सो एलसीएम कितना है 1 2 3 4, सो एलसीएम इज इक्वल टू 2 power 4 into 3 power 3। इसका मतलब है इतना सेकेंड्स के बाद वो अगेन साइमल्टेनियसली चेंज होगा, राइट। सो 2 power 4 16 into 27, 2 4 11 32 2 3, आफ्टर 4 32 seconds they'll साइमल्टेनियसली चेंज आफ्टर 432 seconds। सो कितना मिनट्स होगा, मिनट्स कन्वर्ट करना है तो मिनट्स में कन्वर्ट कर लीजिए, डिवाइड बाय 60 करना है ना, मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, 432 डिवाइड बाय 60 करना है, 60 into 7 are 420, सो 12 सेकंड्स रिमेनिंग है। इसका मतलब 7 मिनट्स 12 सेकंड्स वो फिर वापस एक ही टाइम में साइमल्टेनियसली चेंज होगा। इसका मतलब है टाइम कितना होगा, 8 hours 7 minutes, इसका मतलब 07 12 seconds। सो दिस इज द टाइम व्हेन दे अगेन चेंज साइमल्टेनियसली आफ्टर 8 o'clock। सो व्हेनेवर ऐसा क्वेश्चन आया तो साइमल्टेनियसली कैसे चेंज होगा, आप डायग्राम ड्रॉ करना है, जंपिंग डायग्राम जैसा लग रहा है तो वो एलसीएम का क्वेश्चन होगा, कॉमन मल्टीपल का, कॉमन फैक्टर का क्वेश्चन लग रहा है तो वो एचसीएफ का क्वेश्चन होगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस क्वेश्चंस।